Hello everyone, myself Akshita Garg, your faculty for management and commerce, and welcome you all at Avyan IAS Academy. So आज की वीडियो में हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. दो इज वेरी छोटा सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टुडेज टॉपिक इज एवरेट रॉजर्स अडॉप्शन कर्व. अब ये होता क्या है बेसिकली, जब भी हमारे मार्केट में, मार्केट प्लेस में कोई भी इनोवेशन आता है, उस इनोवेशन को या कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो कंज्यूमर्स का क्या परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स है कि उसे किस अडॉप्शन रेट के साथ उसे अडॉप्ट करते हैं, वो आज हम बेल कर्व शेप में पढ़ने वाले हैं. राइट. सो इसमें से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें से आपको पूछा जाएगा कि ये किस टाइप के अडॉप्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, लैगार्ड्स हैं, अर्ली मेजॉरिटी है, लेट मेजॉरिटी है, या कौन से टाइप के हैं. राइट. इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक के प्रीवियस या क्वेश्चंस में नहीं देखा गया है. इसमें से बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, विच कैन क्रेडिट यू 2 मार्क्स इन योर UGC नेट. राइट. ये टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमर्स. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज द नेम सजेस्ट, ये जो अडॉप्शन कर्व है, द रेट एट विच द कंज्यूमर अडॉप्ट्स एनी न्यू प्रोडक्ट और कोई भी इनोवेशन, जिस रेट पे एक अडॉप्शन रेट, एक रेट पर जिस पर कि अडॉप्ट किया जाता है न्यू प्रोडक्ट को बाय कंज्यूमर्स, उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये एवरेट रॉजर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रॉजर्स बेल कर्व, जिसमें कि अडॉप्शन रेट जो है वो बताया गया है. इसमें 5 मेन एलिमेंट्स आते हैं हमारे. हमारे आते हैं इनोवेटर्स, हमारे अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, अर्ली मेजॉरिटी आते हैं, लेट मेजॉरिटी आती है, एंड लैगर्ड्स आते हैं हमारे. अब हम इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे. इसमें या तो आपको दो चीज़ें, लाइक सबसे पहले मैं ये समझेंगे कि इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं. इसमें आपको परसेंटेज पूछ सकता है वो, या फिर एक स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है ये कौन सी कैटेगरी है जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पाई जाती है. राइट. सो हम उसी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे इनोवेटर्स कौन होते हैं. हमारे इनोवेटर्स वो होते हैं जिनको रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है. कोई भी प्रोडक्ट जैसे ही आते हैं, दे आर द वंस हु बाय इट एट फर्स्ट, दे आर द वंस हु गो विद अनप्रूवन प्रोडक्ट्स. मतलब उनको कोई अर्ली रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं होती, एंड दे लव टेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. राइट. सो इनोवेटर्स वो होते हैं हमारे, दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिस्क. राइट. सो इनका परसेंटेज होता है हमारा 2.5%. सो 2.5% कंज्यूमर्स हमारे रिस्क टेकिंग होते हैं, जो कि जैसे ही इनोवेशन आता है उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, लाइक दैट. देन हमारा आता है अर्ली अडॉप्टर्स. अर्ली अडॉप्टर्स हमारे वो होते हैं, ऑल्दो इन्हें रिस्क लेना ठीक लगता है, बट दे बाय आफ्टर द रिकमेंडेशंस, आफ्टर द फर्स्ट अप्रूवल ऑफ इनोवेटर्स. लाइक थोड़े टाइम बाद ये इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. राइट. तो इनका जो परसेंटेज आता है वो हमारा आता है 13.5%. राइट. सो दे आर द वंस हु आर, यू नो, दो दे लाइक टू टेक रिस्क एंड दे वॉन्ट टू ट्राई द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बट दे ट्राई इट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द इनोवेटर्स, और मे बी प्रोडक्ट थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो मार्केट में आता है, नॉट इमीडिएटली. देन आते हैं हमारे अर्ली मेजॉरिटी. ये रेशो हमारा होता है 34% का. अर्ली मेजॉरिटीज कौन सी होती है हमारी. अर्ली मेजॉरिटीज वो होती हैं जब एक प्रोडक्ट अच्छा खासा मार्केट में नोन हो जाता है. दैट मीन्स कि व्हेन इट हैज़ द प्रूवन रिकमेंडेशन दैट यस, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, या ये इनोवेशन जो है वर्थ इन्वेस्टिंग है, तब जाके ये अर्ली मेजॉरिटीज जो है ये इन्वेस्ट करते हैं. एंड दे आर मॉडरेट एट टेकिंग रिस्क. जब एक लिटरल प्रूव हो जाता है ना, हाँ ये प्रोडक्ट खरीदना वर्दी इनफ है, तब जा करके ये 30% कंज्यूमर्स जो है ये जा करके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या अडॉप्ट करते हैं. देन आता है हमारा लेट मेजॉरिटी. लेट मेजॉरिटी वाले वो लोग होते हैं जो, यू नो, जिन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं होता है. वो बिल्कुल जब मार्केट बिल्कुल मैच्योर हो गया है किसी प्रोडक्ट का, वो टेक्नोलॉजी आ गई है, सेटल हो गई है, सब कुछ हो गया है, कॉमन बन गई है, उसके बाद जाकर के ये उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. इन्हें रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है.
इनका परसेंटेज होता है 34%. सो जो हमारे अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी होती है दोनों का परसेंटेज सिमिलर होता है. ठीक है, देन हमारे आते हैं लेगार्ड्स. एज द नेम सजेस्ट, ये वो होते हैं जिनको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदते ही नहीं है. दे डू नॉट रिलाई ऑन न्यू इनोवेशंस एंड न्यू प्रोडक्ट्स, और वो ना तो दूसरों के रिकमेंडेशन पे जाते हैं और ना ही वो खुद उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं. लेगार्ड्स की परसेंटेज होता है 16%. राइट, सो ये हमारा है रॉजर्स बेल कर्व, जिसमें कि हमने अडॉप्शन रेट देखा कि किस रेट पे एक कंज्यूमर किसी न्यू प्रोडक्ट को और इनोवेशन को अडॉप्ट करता है. इसमें हमें परसेंटेज याद रखनी है, विच इज़ 2.5, 13.5, 34, 34 एंड 16. आई विल अगेन रिपीट, हमारे जो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं वो हमारे इनोवेटर्स होते हैं. आफ्टर द रिकमेंडेशन और इनोवेशन, इनोवेटर्स वो होते हैं जो बहुत इंस्टेंट पे उस न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करते हैं. आफ्टर अ लिटिल वाइल जो खरीदते हैं वो होते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर्स. दे आर द वंस जिनको रिस्क पसंद होता है और दे बिकम द पर्सन हु रिकमेंड इट फॉर फर्दर. दैट इज दे बिकम द सोर्सेज फॉर अर्ली मेजोरिटी. अर्ली मेजोरिटी को रिकमेंडेशन वाले बनते हैं. हमारा आता है लेट मेजोरिटी एंड लेगार्ड्स. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस कॉन्सेप्ट. ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें से कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड आई होप यू ऑल्सो लर्न द नेम ऑफ द पर्सन एवरेट रॉजर्स, विच मे बी आस्क टू यू अंडर द मैच द फॉलोइंग, जिसमें कि अडॉप्शन कर्व आपको याद रखना है या फिर बेल कर्व जो होता है वो इन्होंने दिया है. सो आई थिंक होप यू लाइक द वीडियो. डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल. आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं आप हमसे पूछ सकते हैं. विल ट्राई टू मेक यू और प्रोवाइड यू द वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक. एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फॉलोइंग अवयान IAS Academy. थैंक यू.